उज्जैन में पिछले 3 दिनों से हो रही लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बारिश के कारण कई इलाकों में मकान पूरी तरह से पानी में डूब गए हैं। शहर में 5,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया तथा शहर के स्कूल पिछले 2 दिनों से बंद हैं। जिलाधिकारी ने प्रभावितों को मुआवजा, राशन और केरोसिन देने के निर्देश दिए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक उज्जैन जिले में पिछले 3 दिनों में करीब 33 इंच बारिश हो चुकी है। गंभीर डैम और क्षिप्रा नदी में पानी का जलस्तर काफी ऊपर है। क्षिप्रा नदी में आई बाढ़ से शहर की कई निचली बस्तियों के घरों में पानी भर गया है। शहर में प्रशासन द्वारा 13 राहत शिविर चलाए जा रहे हैं। पानी गिर रहा है, पानी बहुत तेज चल रहा है और अभी उतरने की संभावना भी नहीं है। रोड बंद हो गया, रोड बंद है। राज्य के सीहोर जिले के बुधनी क्षेत्र के तहत आने वाले खाडागढ़ गाँव में बारिश के चलते 3 परिवारों के 11 सदस्य पानी में बह गए। राज्य के बाकी शहरों इंदौर, भोपाल और विदिशा में भी काफी बारिश हुई है, जिससे कई इलाकों में पानी भर गया है। मौसम विभाग की माने तो मध्य प्रदेश में अगले 2 से 3 दिन तक भारी वर्षा हो सकती है। उधर मायानगरी मुंबई में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ। निचले इलाकों में पानी जमा होने से लोकल ट्रेन सेवाएं बाधित हुई, जिससे सुबह के समय आने वाले हजारों लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कुर्ला, चेंबूर, तिलकनगर, अंधेरी, परेल और लोअर परेल जैसे निचले इलाकों के साथ ही बगल के ठाणे, नवी मुंबई में भी पानी जमा हो गया। अंधेरी और चर्चगेट स्टेशनों के बीच पश्चिमी रेलवे की उपनगरीय सेवा कुछ समय तक प्रभावित हुई। सेंट्रल लाइन पर कुछ जगहों पर पानी जमा होने के कारण ट्रेन सेवा ठप रही। उधर उत्तराखंड में भी बारिश का कहर थम नहीं रहा है। राज्य के कई इलाकों में बारिश का दौर जारी है। बारिश के चलते न सिर्फ कई इलाकों में पानी भर रहा है बल्कि भूस्खलन भी हो रहा है। उत्तर प्रदेश के कई शहरों में बारिश के बाद नदियां उफान पर हैं। धार्मिक नगरी वाराणसी में गंगा नदी उफना रही है। अधिकारियों के मुताबिक गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। प्रशासन ने हालात सामान्य होने तक गंगा में नाव चलाने पर रोक लगा दी है। जब तक कि स्तर नॉर्मलाइज ना हो जाए, नाव का जो संचालन होता है उस पर रोक लगा दी जा रही है। साथ ही साथ इलेक्ट्रिक इंजीनियर्स जो हमारे हैं इलेक्ट्रिसिटी विभाग के, उनको हम लोगों ने निर्देशित कर दिया है कि अगर इस तरह का कहीं पे भी इंसिडेंट हो कि शॉर्ट सर्किट हो गया या करंट पास हो रहा है पानी में से, तो वो लोग भी अपना एक बार इंस्पेक्शन डिटेल्ड रूप में कर लें। कुल मिलाकर ये बारिश जहां किसानों के लिए फायदेमंद है, वहीं भारी बारिश ने कई जगहों पर सामान्य जनजीवन पर असर डाला है। न्यूज़ नाइट डेस्क, डीडी न्यूज़।